परंतु तुम्हारी इस दुर्दशा के पीछे उनका कोई द्वेष नहीं था। महायोगी गोरखनाथ तो अपने शिष्य धर्म का पालन करने के तो यहाँ आए हैं। वो अपने गुरु को अपने साथ ले जाने आए हैं। हनुमान महायोगी गोरखनाथ कलिंगा के साथ महारानी के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंचे। एक समय की बात है कि महायोगी गोरखनाथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर थे। एक वृक्ष के नीचे जब वो विश्राम कर रहे थे तो अचानक से उन्होंने देखा कि अपने योग बल से एक योगी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे हैं। वो योगी थे विद्यानगर के योगी राज कनीफानाथ, जिन्हें कृष्णपाद के नाम से भी जाना जाता है। भेंट की इच्छा रखते हुए श्री गोरख ने उन्हें आकाश में ही खड़ाऊं भेजकर निमंत्रण दिया। कनीफानाथ उनका निमंत्रण स्वीकार कर उनके पास आ गए। आदेश आदेश। आम बहुत मीठे प्रतीत होते हैं, ग्रहण करें अवश्य। अति उत्तम। आम सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे, परंतु इन बचे हुए फलों को व्यर्थ करना उचित नहीं है। कृपया इन्हें पेड़ पर वापस लगाने का कष्ट करें कनीफानाथ जी। गोरखनाथ जी, असंभव। वृक्ष से फल तोड़े जा सकते हैं, पर उन्हें वृक्ष पर दोबारा लगाया नहीं जा सकता। महायोगी गोरखनाथ ने क्षण भर में बचे हुए आमों को पुनः वृक्ष पर जोड़ दिया, जिसे देख अहंकारी कनीफानाथ भी स्तब्ध रह गए और महायोगी गोरखनाथ की श्रेष्ठता को नमन करे बिना न रह सके। भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों में महायोगी गोरखनाथ जी के प्रभावी व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, जिसमें उनकी एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ती है राजस्थान से। राजस्थान के लोकमानस में व्याप्त जाहरवीर गोगा जी की योग साधना, उनके चमत्कार, त्याग, बलिदान तथा पराक्रम के पीछे महायोगी गोरखनाथ की कृपा ही थी। कहते हैं कि इनका जन्म महायोगी गोरखनाथ जी के द्वारा दी गई प्रसाद स्वरूप अभिमंत्रित विभूति से हुआ। लोक देवता के रूप में स्थापित जाहरवीर गोगा जी को करोड़ों लोग पूजते हैं और आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष कृष्ण नवमी से एक महीने तक चलने वाले भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। अवंतिका नरेश भर्तृहरि पर भी महायोगी गोरखनाथ की
अहेतुक कृपा थी। एक लोक प्रचलित कथा के अनुसार महाराजा भर्तृहरि शिकार पर थे, जहां उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। ये संयोग ही था कि शिकार के पश्चात जब मृगी और उनके शावकों का दन गुरुनाथ ने सुना, तो उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन्होंने उस मृत मृग को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देख महाराजा भर्तृहरि स्तब्ध रह गए और तत्पश्चात गोरखनाथ के शरणागत हो उनके अनुयायी बन गए। उनसे योग दीक्षा ली और योग पथ पर चलकर स्वयं महायोगी बनकर अमर हो गए। ये महायोगी की कृपा दृष्टि ही थी जो शाह राजवंश के राजा पृथ्वीनारायण शाह 46 रियासतों को एकीकृत कर एक संपूर्ण नेपाल राष्ट्र का निर्माण कर पाए। नेपाल के गोरखा राज्य का नाम महायोगी गोरखनाथ जी से ही मिला। निगमान एवं अयोनिज अमरकाय सिद्ध महापुरुष माना जाता है। उनके चारों युगों में अनवरत सिद्धि साधना के अनेक वृत्तांत मौजूद हैं, जो जनमानस में आज भी प्रचलित है, जिनमें उनकी भगवान गणेश से भी गुरु नानक देव जी द्वारा की गई उनकी प्रतिष्ठा, सियालकोट के राजा शालिवाहन पुत्र पूरन भगत की रक्षा कर उनका सिद्ध चौरंगी नाथ बनना, सिंधियों के परम आराध्य श्री झूलेलाल जी का उनका शिष्य बनना, रांझा को योगी बनाना, देवी पाटन में तपस्या कर पाटेश्वरी भक्ति पीठ की स्थापना करना जैसे वृत्तांत प्रमुख हैं। जो भी कर्मा महायोगी गोरखनाथ से मिला, उनके अद्वितीय प्रकाश उनके उज्ज्वल व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। संत कबीर भी ऐसा ही एक नाम है। Yeah.
हालेलुया 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 हालेलुया।